अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग टू टॉक अबाउट, जो कि ईडन फिलपोर्ट्स का वन एक्ट प्ले है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हमारे बीए कोर्स में शामिल होता है। द प्ले समथिंग टू टॉक अबाउट कन्वेज द आइडिया दैट वेरी रिच पीपल बिकम सिक ऑफ देयर मोनोटोनस लाइफ, सो जस्ट फॉर अ चेंज दे वेलकम एवरीथिंग, इवन बर्गलरी। Secondly, we also see that it is very difficult to bear the loss of things. It does not matter how rich a person is, to save his things, he is ready to harm others. अच्छा, ये वन एक्ट प्ले है, बहुत ही खूबसूरत सा। एक रिच फैमिली दिखाई गई होती है, जो स्टूडेंट्स अपनी लाइफ से इस कदर बोर है अपनी मोनोटोनस लाइफ स्टाइल से, कि वो हर चीज़ को वेलकम कर रहे हैं। इवन उनको अगर कोई थ्रेट भी हो रहा है, बर्गलरी हो रही है, उनके घर में डकैती भी हो रही है, तो उसको वो इंजॉय करते जा रहे हैं। ये लाइट हार्टेड सा एक कॉमिक प्ले बनाया है, तो ये एक बेसिकली सटायर है अगर देखा जाए इंग्लिश क्लास के ऊपर, अरिस्टोक्रेटिक क्लास के ऊपर, कि इनकी लाइफ में कुछ करने कराने को नहीं होता। पैसा इतना होता है कि इनकी लाइफ इतनी बोरिंग हो जाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो इसके ऊपर बेस ये प्ले है। आगे हम पढ़ेंगे तो मज़ीद हमें इंजॉय करेंगे इसको। तो सिडनी फैमिली इसमें दिखाई गई है, जो कि एक इंग्लिश अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, जिसके अंदर लॉर्ड रेडचेस्टर है, जो कि एक घर का ओनर है। ये बहुत रिच दिखाया गया होता है। लेडी रेडचेस्टर है, जिसका नाम सोफ़ी भी बताया जाता है प्ले के अंदर, जो कि इसकी वाइफ है। फिर गाय सिडनी इसका बेटा होता है, और कलर चेंज ही ना कर लें, हाँ, गाय सिडनी जो है वो लॉर्ड रेडचेस्टर का बेटा है, और लेटिस सिडनी उसकी बेटी है, ठीक है। और बायशॉप जो है वो लॉर्ड रेडचेस्टर का भाई दिखाया गया होता है, यानी गाय सिडनी और लेटिस सिडनी का चचा दिखाया है। प्रेस्टन जो है इनके घर के अंदर कुक है, जो बटलर है उसका नाम प्रेस्टन है। और द वुल्फ, एक बहुत ही बदनाम ज़माना जो बर्गलर है, यानी घरों में चोरियां करता है, थीफ है एक, वो दिखाया गया होता है। और इवन ये इतना फेमस होता है कि न्यूज़पेपर वगैरह में भी इसका इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह छपते होते हैं। तो स्टोरी की थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, कि एक ना बगलर जो है वो जो है सिडनीज फैमिली के हाउस में रात के 3 बजे गिफ्ट चुराने के लिए पहुंच जाता है। नेक्स्ट डे क्रिसमस होती है, यानी रात के 3 बजे वो पहुँच जाता है तोहफे चुराने के लिए। और फैमिली मेम्बर्स को इतना ज़्यादा डेस्परेट दिखाया गया होता है कि वो अपनी लोनली लाइफ से इतने आवाज़ार होते हैं कि वो वुल्फ यानी उस बर्गलर की कंपनी को भी इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये कॉमिक जो सिनेरियो हमें दिखाया गया है, ये एक सटायर है ऑन दी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली ऑफ इंग्लैंड, यानी उनको तंज का निशाना बनाया गया है कि उनकी लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है, उनकी लाइफ इतनी बेमानी है कि वो एक ऐसे इवेंट को जिसमें थ्रेट होना चाहिए, जिसमें आपको डरना चाहिए, उसको भी वो इंजॉय कर रहे हैं बिकॉज उनकी लाइफ इतनी बोरिंग है। और वो उसको ऐसे ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, उस आदमी को जो उनके घर ही पे चोरी करने आया है, जैसे वो उनके उनका मेहमान हो, ठीक है। उनकी डेस्क उनकी उनका दिखाया जा रहा है कि वो कितने ज़्यादा डेस्परेट है। और फिर क्या होता है कि द गाय सिडनी जो बेटा होता है हाउस ओनर का, वो आता है और देखता है कि वुल्फ जो है वो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, अब डरने की बजाय वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है, ही गेट्स एक्साइटेड, और वो उससे परमिशन लेने लग जाता है कि मैं अपनी बहन लेटिस को भी ले आऊँ यहाँ पर, ताकि वो देख सके कि तुम अपना काम कैसे करते हो। यानी उसके लिए ये एक फ़न है, एंटरटेनमेंट है, यानी वो इतना ज़्यादा प्यासे हैं एंटरटेनमेंट के और ह्यूमन इंटरेक्शन के, कि वो इस तरह का स्टूपिड किस्म का बिहेवियर शो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जो घर का कुक होता है प्रेस्टन, वो उसी दौरान यहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वुल्फ कार्रवाई कर रहा होता है, और वुल्फ उसको बांध देता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद गाय सिडनी आता है, ये भी यानी कॉमिक सिचुएशन दिखाई है कि गाय सिडनी आता है और उसको कहता है कि तुम इसको खोल दो, ये कुछ नहीं करेगा, और वो उसको खोल भी देता है। तो उसकी वुल्फ की स्टुपिडिटी को भी यहाँ पर सटायर का निशाना बनाया गया है, तंज का निशाना बनाया गया कि कितना, यानी एक ऐसा बर्गलर जो इतना फेमस है और किसी के भी, ये मशहूर होता है दोस्तों कि ये किसी के भी घर चला जाए खाली हाथ कभी वापस नहीं आया, यानी इतना ये एक्सपीरियंस्ड बर्गलर दिखाया जाता है, यानी बर्गलरी में इतना ये यानी इसका नाम होता है।
अच्छा होता है क्या है कि बाद में ना सारे फैमिली मेंबर्स वन बाय वन वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा कोई भी ऐसा नहीं होता जो डरे या मामले की संगीनी को समझे, बल्कि एवरीबडी इज इंजॉइंग द न्यू गेस्ट। यानी हर कोई, यानी ऐसा लगता है दोस्तों कि इतने ये मालदार हैं, दे आर सो रिच, बट नोबडी विजिट्स देयर हाउस, नोबडी वॉन्ट्स टू विजिट देयर हाउस इवन ऑन द क्रिसमस। यानी इनकी लाइफ में कोई एडवेंचर, इनकी लाइफ में कोई ह्यूमन इंटरेक्शन अपनी फैमिली से बाहर कहीं है ही नहीं। यानी कोई इनके घर के पास ये तक दिखाया है कि शायद कोई नेबर भी नहीं इनके घर आता, पता नहीं जंगल में जाके ये लोग रहते हैं। यानी एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश फैमिली है और कैथेड्रल टाउन से बाहर रहती होती है। और ये तक बताया जाता है कि इनके घर के 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट के फासले पर कोई और नेबरहुड में कोई बंदा ही नहीं होता। तो इनके लिए यानी बर्गलरी, डकैती भी एक फन बन जाता है बिकॉज ऑफ देयर मोनोटोनस एंड लोनली लाइव्स। ठीक है, ये खुद से एक सटायर दिखाया गया है। और फिर बताया जाता है कि वुल्फ को बड़ा एक्सपीरियंस बताया जाता है थ्रू आउट द प्ले, लेकिन सेफ उसे खुल नहीं रहा होता। तो इससे हमें ये चीज़ भी समझने मिलती है कि जो लोग खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस समझते हैं, जिन्हें सोसाइटी बड़ा एक्सपीरियंस्ड कहती है, वो कितने नल्ले होते हैं और उससे सेफ ओपन नहीं हो रहा होता। सब लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और आखिरकार सिडनी फैमिली जो है वो उसको सेफ का पासवर्ड बता देती है, जो कि सोफ़ी होता है, जो कि उसकी वाइफ का नेम है, उसके नाम पे उसने पासवर्ड रखा होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि हर कोई अपना गिफ्ट ट्राई करना शुरू कर देता है जो कि उस सेफ में से निकलता है। और बाद में वोल्फ जो है उन तमाम लोगों से जो उनके तोहफे हैं वापस ले लेता है, क्योंकि वो तो चोरी करने आया है ना। तो बाइशप जो है वो कैरेक्टर जो दिखाया गया है, बच्चों का अंकल है और जो घर का सरबराह है उसका जो भाई है, वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है रिलीजियस मैनर में कि देखो ये तो दुनिया की चीज़ें हैं, ये है वो है। इवन दो इस स्टेटमेंट में या इस सिनारियों में भी आपको एक सटायर ही देखने मिलता है कि वो खुद अपनी चीज़ें बचाने के लिए उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता दिखाया दे रहा है। और फिर वो उसको अटेम्प्ट करता है कि अच्छा है तुम ये गिफ्ट्स वगैरह हमारे छोड़ दो ना, मैं तुम्हें इससे कॉस्टली थिंग्स बताता हूँ जो मेरे नेबरहुड के लोगों के पास मौजूद हैं, और मैं तुम्हें उनके घर का रास्ता भी बताऊँगा, सारा प्लान करके दूंगा, तुम हमारे तोहफे छोड़ दो और चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो कितने चीप और घटिया माइंडसेट के होते हैं कि अपना पैसा अपने तोहफे बचाने के लिए अपने हमसायों को हार्म कर सकते हैं, इवन इस हद तक जा सकते हैं। एवरीबडी शेक्स हैंड्स विद हिम, हर कोई उसके साथ हाथ मिलाता है। और तो इसके चीप माइंडसेट के ऊपर सटायर है। यानी ये जो एक लाइट हार्टेड कॉमिक प्ले है, इसके अंदर एक तो हमारे ये थीम देखने मिलती है कि पैसा कितना भी हो, इन लोगों की लाइफ किस कदर मोनोटनस और बोरिंग है। और सेकेंडली हमें ये बताया गया है कि हाउ एवर दे आर सो रिच, इन स्पाइट ऑफ बींग सो मच रिच, देयर हार्ट इज सो लिटल दैट दे डोंट वॉन्ट टू लूज एनी थिंग, एंड इवन फॉर दैट दे कैन हार्म अदर पीपल लाइक देयर नेबर्स। वो यहाँ इस हद तक भी जा सकते हैं कि अपने नेबर्स को ही नुकसान पहुँचाएँ। और यहाँ पर प्ले जो है बड़े ही एक फ़नी से अंदाज में एंड हो जाता है। और ये आप नेक्स्ट अगर चाहें कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और थीम्स और करेक्टर स्केच ये सब चीज़ें भी इन डिटेल देख लेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।